नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने कोई नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आप अपने बिजली के बिल पे कैसे नाम को चेंज करा सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेम का म्यूटेशन करना। तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन में इनकी वेबसाइट बहुत अच्छे से नहीं चलती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन जाके कराएं, वो अच्छे से हो जाता है और एक बारी में हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने बिजली के बिल पे कैसे नाम चेंज करा सकते हैं ऑफलाइन प्रोसेस में। तो इसमें सिंपल तीन स्टेप्स हैं, उन तीन स्टेप्स करेंगे और वो काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर वन है अपॉइंटमेंट लेना। तो उसके लिए देखिए, मैं स्क्रीन पे दो नंबर दिखा दे रहा हूं। पहला नंबर है 19122 और दूसरा नंबर है 3999908। तो आप इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल मिला के अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो आपसे तीन चार चीजें पूछेंगे, जैसे सीए नंबर जो आपके बिल पे होता है, जो और आपका नाम और आपके हस्बैंड या फादर का नाम। और वो आपको एक स्लॉट देंगे, आपसे पूछेंगे कि इस डेट पे ये वाला स्लॉट खाली है, तो आप डेट और टाइम के अकॉर्डिंग उनको स्लॉट बता सकते हैं कि आप तब अवेलेबल हैं, तो वो आपका स्लॉट फाइनल कर देंगे। और जब आपका स्लॉट फाइनल हो जाएगा तो आपको एक SMS आएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका डेट एंड टाइम मेंशन होगा, तो आपको उस दिन जाके सेवा केंद्र पर जाना होगा। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर वन, आपका अपॉइंटमेंट लेना। अब बात करते हैं स्टेप नंबर टू की। स्टेप नंबर टू में क्या है, आपको विजिट सेवा केंद्र। तो आपको सेवा केंद्र पर जाना होगा अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, उस डेट और टाइम पे जो आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको मैं बता देता हूँ। पहला पैन कार्ड, आधार कार्ड और रजिस्ट्री के पेपर, जो आपकी लेटेस्ट रजिस्ट्री है। और चौथा मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बिल पे आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम भी आए साथ में, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे तो वो वहीं पे आपका एक फोटो खींच लेंगे और वहीं से आपको एक रिसिप्ट जनरेट करके देंगे। वो रिसिप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगी। तो रिसिप्ट लेके आप घर आ जाएंगे और 2 से 3 दिन के अंदर आपके फोन पे एक SMS आएगा जो कुछ इस तरीके से होगा। तो उस SMS में ये लिखा होगा कि आपकी नेक्स्ट 2 बिल साइकिल के बाद आपका जो बिल है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने इस महीने उसको कराया है तो 2 साइकिल के बाद 2 बिल पुराने नाम पे जनरेट होंगे, लेकिन जो तीसरा बिल होगा वो आपके नए नाम के साथ आ जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, सिर्फ आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है, सेवा केंद्र पे जाना है, एंड डेट्स इट, इतना हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।